बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू लोरी बादशाह। मेरा नाम इरशाद है। आज हम बना रहे हैं शवारमा रैप। शवारमा रैप मशहूर रैप शवारमा रैप है ये टर्किश का। तो ये मैंने जर्मनी में टर्किश रेस्टोरेंट से सीखा था, तो हम ये बना रहे हैं। चलते हैं इसकी रेसिपी। जी, हम ये रैप बना रहे हैं। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सबसे पहले हमने ये चिकन लिया है जी, ये 500 ग्राम है। हाँ जी, और इसके अंदर हम ये मसाले ऐड करेंगे। ये हम मसाले लेंगे जी, ये ऑल स्पाइस, और ये कुमन सीड, ये टर्किश रेड चिली, सॉल्ट, रेड पेपरिका, ब्लैक पेपर, और ये गार्लिक। ये चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है जी, हम ये इसमें ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल टीस्पून। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें जी। हम इसको मिक्स करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी इसको मिक्स करने के बाद। ये देखिए जी, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे, तो उसके बाद हम इसको ग्रिल करते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रिक पैन लिया जी, आप दूसरा पैन भी ले सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ये अवेलेबल है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसके अंदर ये ऑलिव ऑयल, ठीक है जी, ऑलिव ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़ा सा, ये टेबल स्पून होगा जी। ठीक है जी, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ना ये ओहो, ये ओरिजिनल जो है ना, इसकी खुशबू आ रही है जी। हाँ जी, तो ओरिजिनल वे में जो है ना, इसी तरह बनाना है। आप कुछ लोग इसको मीट को पहले काट के डाल देते हैं, वो ओरिजिनल वे नहीं है। ओरिजिनल वे इसका यही है। आपने देखा होगा कि दुकान के अंदर पहले वो उसको वहाँ पर ग्रिल करते हैं, और वो फिर उसको काटते हैं। पहले इसको हमने ऐसे करना है, इसको ग्रिल करेंगे, और बाद में इसको हम काटते हैं। हाँ जी, देखें जी, ओहो कैसी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये ओरिजिनल वे में ना ये ग्रिल हो रहा है। ठीक है जी, आपने अक्सर देखा होगा, आप ठीक है, आप खाते होंगे इस तरह की चीज़ें, तो आपने देखा होगा ये इसी तरह जो है ना। हाँ जी, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। हाँ जी, अब मैं इसको दूसरी साइड से बनाता हूँ, तो उसके बाद हम ना इसमें 2-3 मिनट लगेंगे। इसको ना देखो जी, कितना प्यारा है ये ओरिजिनल, इसी तरह लग रहा है जैसे आप किसी दुकान में रेस्टोरेंट में गए होंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, ये कितना प्यारा ये बना है जी। इसी तरह आपने ये पहले उसको ग्रिल करना है पीस को, फिर आपने काटना है। अब हमारे पास ये जो है ना, देखें, अब इसके अंदर हमने इसको डाल देना है, जिस तरह जब हम इसको यूज करेंगे इसमें से निकालते रहेंगे गर्म गर्म। हाँ जी, उसी तरह गर्म है जी। परफेक्ट जो है ना, वो तरीका नहीं, आपने पहले इसको काट लेना है, बनाना है, ये ओरिजिनल वे। और हम इसको इसमें गर्म रखेंगे। ये बिल्कुल इसको हमने लो कर दिया है नी। तो आपने अगर पूछना हो ये आपने कहाँ से लिया इलेक्ट्रिक पैन और ये वो, तो आप हमें मेंशन करें, हम आपको बताएंगे कहाँ से लेना है। और ये कोई बिग डील नहीं, बड़ा सस्ता है ये, हर बंदा आराम से यहाँ यूके में अफोर्ड कर सकता है। ठीक है जी, तो हम इसको अभी गर्म रखा है, तो ये देखें अभी इसको ओरिजिनल वे में हम इसके ऊपर इसको ये हरी 30 मिनट के लिए है जी। इसी तरह हम ये बना रहे हैं जी। इसके ऊपर हम थोड़ी सॉस लगाएंगे, आप चाहे कोई भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। है जी, तो मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, इसलिए मैं ये लिया। अब शादी लेंगे इसके ऊपर हम भी।
ये देखिए जी, ये टर्की शिकन, ये बहुत शौक से खाते हैं जी। ये देखें, ब्यूटीफुल इसका कलर भी है और ये खाने में बहुत मज़ेदार है जी। हम इस तरह इसको यूज करेंगे। देखें कितना जबरदस्त बना है, ठीक है जी। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा सैलेड रोल लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक है जी। ये सीखी जी, ये ओरिजिनल वे में ये इसी तरह यूज करना है। टर्किश में मोराको में इस तरह खाया जाता है। ये बिल्कुल वही ब्रेड है, हाँ जी। आपके इन जाएंगे दुकान पे ओरिजिनल में तो आपको इसी तरह मिलेगा, ठीक है जी। इसको हम डिस्प्ले करते हैं, देखें जी ये रेडी है। और साथ इसके ये लस्सी है, हाँ जी। और ये आप इसको ऐसे ना ये इस तरह खाते हैं, हाँ जी। ये इसको ऐसे नीचे किया और खा लेना, ठीक है जी। ये आपने देख लिया, ये आप खाएं और बच्चों के साथ खाएं, अपने गेस्टों के साथ खाएं, दुआ में मुझे याद रखें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में, है जी। अल्लाह हाफिज़ जी।